రామ బంటువై వెలిగిన దేవ అమ్మ చెరువులో వెలసిన దేవ విజయ మార్గమున తిరగం దేవా मैं मनोज निषाद अयोध्या वाले आप सभी का अपने न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा में विश्वास करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम इस समय अयोध्या में हैं और अयोध्या के पावन नगरी में आप सभी का स्वागत है, हमारे वीडियो में भी स्वागत है। और इस समय हैं हम हैं राम पथ मार्ग पर और ये सामने आप देख सकते हैं किस तरह डेवलपमेंट का कार्य चालू है और चौड़ीकरण चालू है। 5-6 दिनों से दोस्तों बारिश नहीं है, उसके बाद भी रोड इतना खराब है कि इस समय राम भक्त ना आए अयोध्या में बारिश के समय पर, बारिश के बाद आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो यही कहेंगे श्री रामचंद्र जी के नगरी में इस समय बारिशों का बहुत दिक्कत है, इस समय देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से रोड खराब है। और ये बता दें हम आप सभी को, ये हनुमानगढ़ी जाता है, ये इसका मुख्य द्वार है, हनुमानगढ़ी का यही मुख्य द्वार है। देखो हमारी प्रशासन भी लगी है और इस समय इतनी दिक्कतें राम भक्तों को झेलना पड़ रहा है, हनुमान भक्तों को, मंदिर में आने वाले को, श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत हो रही है दोस्तों रोड को लेके। इसलिए राम मंदिर के साथ साथ चौड़ीकरण जो हो रहा है इसके वजह से, और जहाँ टूट गया है देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन गई हैं। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह और खाने पीने की भी सामग्री मिल जाएगी और जगह जगह सीवर का काम चालू है। ये देखो बीच रोड में, और ये देखिए दोस्तों किस तरह से रोड खराब है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं राम भक्त इस समय बारिश में ना आए, सबसे अच्छा समय है उनका आने का, अक्टूबर से लेके आप ठंडी सीजन में भी आ सकते हैं, उसके बाद में आप कभी भी आइए, बारिश में ना आइए। आप सभी भक्तों से यही मेरा रिक्वेस्ट है, और जिसको समय नहीं मिलता है वो आ सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, लेकिन जिसको समय अवेलेबल है वो बारिश में ना आए। और ये देखिए इस यहाँ पे कार्य अभी चालू है, जो जेसीबी वगैरह का देखिए कार्य चालू है, प्रसाद वगैरह यहाँ मिलता है। ये हनुमान जी जी के मंदिर पे जाते हैं, श्री बजरंग बली के मंदिर पे जाते हैं, ये प्रसाद यहाँ से भी ले सकते हैं, आगे से भी ले सकते हैं। और बता दें ये देखिए हनुमान जी का ये पीछे साइड का है, ये बैक साइड का है, ये दिखा रहे हैं आप सभी को। इधर आप चले जाएंगे जैन मंदिर चले जाएंगे और चरण पादुका चले जाएंगे यहाँ पे, ये रोड। और यहाँ से ये देखिए पैदल चलने वाले को कितनी दिक्कतें हो रही है, आप समझ सकते हैं आप सब। और ये सावन महीना चल रहा है, इस कांवरिया यात्रा में देखिए जल लेके जा रहे हैं, और यहाँ से हनुमान जी का दर्शन करके निकलेंगे, और बैक साइड यही है दोस्तों। और मैं इसमें अभी पहुंच चुका हूं राम जन्मभूमि मार्ग पर। आपको बता दें ये राम जन्मभूमि मार्ग है, ये मेन रास्ता श्री राम जन्मभूमि को जाने के लिए, ये देखिए यही रास्ता है। और ऊपर जो देख रहे हैं वो किला, वो सुग्रीव किला है, ये देखिए कितना ख़राब हो चुका है दोस्तों, कितना परेशानी हो रहा है। ये धर्मशाला है, यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है और एक मंदिर भी है यहाँ, ये देखिए ये कितना सुंदर ये मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो के यहीं अंत करते हैं। दोस्तों हमारी ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।